सोलन नगर निगम के चुनाव जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी बिसात बिछाने में लग गए हैं। इसी चरण में सोलन के वार्ड नंबर 14 में भाजपा के संभावित और सशक्त प्रत्याशी नरेश गांधी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नरेश गांधी द्वारा भारी संख्या में मतदाताओं को एकत्र कर शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया एवं पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पवन गुप्ता ने भी उपस्थिति दर्ज करवाई और पार्ट नंबर 14 के मतदाताओं ने भारी संख्या में एकत्र होकर ये संदेश दिया कि यहाँ मुकाबला टक्कर का होने वाला है और कांग्रेस के बाट में वे सेंध लगाने को पूर्ण रूप से तैयार हैं। इस मौके पर खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वार्ड नंबर 14 में भाजपा द्वारा बेहद विकास किया गया है और सांसद निधि द्वारा इस वार्ड में कई विकासात्मक कार्य किए गए हैं, जिनको आज जनता को समर्पित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यही विकास कार्य आने वाले चुनावों में भाजपा की नींव साबित होंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनावों में भाजपा का प्रत्याशी ही यहां से विजय हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि अभी वर्तमान में यहां से मनोनीत पार्षद नरेश गांधी के कंधों पर इस वार्ड के विकास का जिम्मा दिया गया था। इस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी वे इस वार्ड की बागडोर संभालेंगे। उन्होंने कहा कि इस वार्ड में अभी कांग्रेस के पार्षद हैं जिन पर विकास का जिम्मा था, जिनकी अनदेखी की वजह से बाढ़ का विकास नहीं हो पाया है। इसलिए बाढ़ के मतदाताओं से आग्रह है कि वे नरेश गांधी को यहां से जिताएं, बाढ़ का सर्वांगीण विकास करेंगे। आज वार्ड नंबर 14 के अंतर्गत HRTC कॉलोनी में जो यहां पर यहां के जो काउंसलर श्री नरेश गांधी जी के द्वारा सांसद महोदय की सहायता से जो कार्य संपन्न हुए हैं, उन कार्यों के लोकार्पण के लिए कार्यक्रम रखा गया था। मैं वार्ड नंबर 14 के सभी नागरिकों को, HRTC कॉलोनी के सभी कर्मचारी बंधुओं को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से 3 साल में हमारे नॉमिनेटेड काउंसलर श्री नरेश गांधी जी के द्वारा लगभग 56 लाख रुपए के काम इस वार्ड में करवाए गए हैं, इलेक्टेड काउंसलर भी लोगों की समस्याओं को लेकर इतने ही संजीदगी से काम करते तो वार्ड नंबर 14 में तो दो दो काउंसलर थे, यहाँ तो डबल काम होना चाहिए था। जो काम दिख रहे हैं, जो वो श्री नरेश गांधी जी के द्वारा काम करवाए गए हैं, मैं आश्वासन देना चाहता हूँ अभी लगभग 1 महीने के बाद कारपोरेशन के चुनाव संपन्न होने वाले हैं। वार्ड नंबर 14 के सभी नागरिकों से आग्रह है कि यहाँ से नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड पार्षद आप भारतीय जनता पार्टी का भेजें। यहाँ की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो सीवरेज की समस्या हो, चाहे पार्किंग की समस्या हो, चाहे पार्क की समस्या हो, चाहे वो योग आश्रम बनाने की समस्या हो, या सड़कों, गलियों, एम्बुलेंस रोड को बनाने की समस्या हो, या इस वार्ड को और व्यवस्थित करके इसका विकास करने की समस्या हो, उन सब को हम प्रायोरिटी बेस पर करेंगे।